अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फैसल ज़मीर। इस क्लास में हम बात करेंगे कि स्टेटस क्या होता है ब्लॉगर में। तो ये मेरे पास पापा ने पोस्ट के जो हमने पोस्ट की थी HTML के बारे में, तो आज हम बात करेंगे स्टेटस पर कि ये क्या चीज़ होती है। ये आपके साइट के बारे में बता रहा होता है कि लोग आपकी साइट पर कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ठीक है। उनके जो वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है आपको यहाँ पर देता है। वो यहाँ पर कह रहा है कि पेज व्यू टूडे, कि आज पेज कितने व्यू हुए हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 6 हुए हैं, ठीक है, 6 लोगों ने इसको देखा है या 6 मरतबा देखा गया है, ठीक है। येस्टरडे कितने हुए हैं, वो 0 हुए हैं कल, क्योंकि आज हमने बनाया है। तो लास्ट मंथ कितने हुए हैं, 6 हुए, वही 6 हुए। पेज ऑल जो कितने हुए वो 6 हुए हैं। फॉलोअर कितने, वो 0 हुए हैं, कि अभी हमारे जो ब्लॉग है इसका फॉलोअर कोई नहीं बना, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद ये होता है कि पोस्ट, यहाँ पर आपकी पोस्ट होते हैं क्योंकि हमने एक ही किया है, तो यहाँ पर ये पोस्ट कह रहा है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि पेज व्यूज़ कितने हुए, इसके 3 पेजेस हुए हैं, और ये इस पोस्ट की बात कर रहा है। अगर कोई और पोस्ट होती तो यहाँ पर वो पोस्ट भी शो करता, ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्रैफिक सोर्सेज किस ज़रिए से आया है, ठीक है, किसी ज़रिए से नहीं आया, आई थिंक ये डायरेक्ट आया होगा फिर, ठीक है। तो अच्छा जी, नो स्टेट्स, ये चेक अगेन लेटर के बाद में इसको चेक करें, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑडियंस के, ये एक मैप के ज़रिए से हमें बता रहा है कि ऑडियंस आपके कहाँ पर पड़े हैं, ये इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं, इनको समझने वाली बात होती है, ठीक है। पोस्ट पर जैसे आप आएंगे तो ये भी बिल्कुल वही बात है कि पोस्ट अब कितने लोगों ने देखे, लोगों की बात नहीं, यहाँ पर पेजेस व्यू कितने हुए हैं, ठीक है, व्यूज़ कितनी बार देखा गया, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको शो भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी पेजेस अभी हैं नहीं। ट्रैफिक सोर्स है कि रेफरिंग यूआरएल किस यूआरएल से आया, ये डायरेक्ट आएगा। और साइट्स कहाँ से, किस साइट से हैं, और किस क्या कीवर्ड इसने सर्च किया, क्या आपकी साइट आई है टॉप पर या किसी चीज़ पर भी, तो उसने क्लिक किया। अभी कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है, ठीक है, कि कीवर्ड की जरिए से आए। ऑडियंस, आपके ऑडियंस कहाँ से हैं, ठीक है, आपके जो ऑडियंस हैं वो कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं, क्रोम, ठीक है, 100%। और विंडोज़, उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हैं और लिनक्स भी है। और ये किस मुल्क से आए, पाकिस्तान से 5 आए हैं और बेल्जियम से 1 आए, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये इसलिए इन्होंने रखा है कि आपके ब्लॉग का आपको पता चले कि आपका ब्लॉग कहाँ पर जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन देख रहा है। ऑडियंस आपका जो ब्लॉग है, फर्ज करें आपका ब्लॉग है पाकिस्तान और बांग्लादेश या इंडिया के, आपने टारगेट किया इनको, ठीक है। तो आपके जो ब्लॉग पर आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट से, तो आप कामयाब ब्लॉग नहीं है, ठीक है। अगर जिसको जिनको आपने टारगेट किया है, ठीक है, जिनको आपने टारगेट किया है, तो सही है, सही है। ये मैं कोई और चीज़ देख रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी, जिनको आपने टारगेट किया है और वहाँ पर फर्स्ट के पाकिस्तान को आपने टारगेट किया है, तो लोग जो है ज़्यादातर पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑडियंस के तक आपका जो ब्लॉग है पहुंच रहा है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करके अपने ब्लॉग की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि मेरा ब्लॉग किस तरफ जा रहा है, ठीक तरफ जा रहा है या गलत तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने ऑप्शन रखे स्टेटस, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे कमेंट्स पर, बात करेंगे, ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं उसको डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक्स टू वॉचिंग दोस्तों।